Hello everyone, welcome you all to the Agrawal Tutorials YouTube channel, and we are doing multiple choice questions from transformer chapter. Already covered two videos, part one and part two. This is the third part, right? And as I told you earlier, we are going to cover this chapter in four parts, right? So this one is third one, so let's start. First question hai is particular video ka, that is 63 क्वेश्चन है, 62 ऑलरेडी हो चुके हैं प्रीवियस टू वीडियोस में. आइडियल ट्रांसफार्मर कोर हैज परमीएबिलिटी इक्वल टू, परमीएबिलिटी मतलब म्यू, ठीक है? कितना होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में? तो बेसिकली एक आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें किसी भी टाइप के लॉस नहीं है, जिसको एक परफेक्ट ट्रांसफार्मर माना गया है, जिसमें पूरी तरह से फ्लक्स प्राइमरी टू सेकेंडरी में लिंक करे, कोई भी लीकेज ना हो, और जीरो करेंट फ्लो करे ट्रांसफार्मर में अगर ट्रांसफार्मर नो लोड पर काम कर रहा है, राइट? तो इन दैट केस योर परमीएबिलिटी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, क्योंकि रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल अपॉन म्यू इनटू ए. इसमें अगर म्यू का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो ही आपका रिलक्टेंस का वैल्यू जीरो होगा, एंड बिकॉज ऑफ द जीरो रिलक्टेंस यू विल हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल्स टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस. तो विद दिस रिलेशन वी कैन कंक्लूड दैट द परमीएबिलिटी शुड बी इनफाइनाइट for the ideal transformer. Next is turns ratio of the transformer is directly proportional to. Turns ratio से यहाँ पर हमारा मतलब है N1 upon N2. वो पूछ रहा है कि किसके directly proportional है? Resistance ratio? No. Current ratio? Current ratio means I1 upon I2. I1 upon I2 equals to K होता है और K equals to N2 upon N1 होता है, तो this option is also incorrect. Voltage ratio? Voltage ratio should be V1 upon V2 and not proportional to any other terms. तो अगर आप देखते हैं N1 upon N2 तो इट शुड बी इक्वल्स टू V1 upon V2 और इट शुड बी इक्वल्स टू I2 upon I1. जबकि I2 upon I1 इज नॉट इन द ऑप्शन, V1 upon V2 इज इन द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड सी, वोल्टेज रेशियो, दैट इज द करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टर्न्स रेशियो? अगेन टर्न्स रेशियो की बात हो रही है, यानी कि N1 upon N2 की बात हो रही है. करंट रेशियो एंड टर्न्स रेशियो आर इनवर्स टू ईच अदर. टर्न्स रेशियो मीन्स N1 upon N2 और करंट रेशियो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, और इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि टर्न्स रेशियो N1 upon N2 शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए I2 upon I1. बी पार्ट है करंट रेशियो इज एग्जैक्टली सेम टू द वोल्टेज रेशियो, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन. करंट रेशियो इज एग्जैक्टली सेम टू द टर्न्स रेशियो, दिस इज द थर्ड ऑप्शन. वोल्टेज रेशियो इज एंड टर्न्स रेशियो बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर. अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे रिलेशंस हैं. तो इन रिलेशंस के हिसाब से दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट. ये जो ऑप्शन है N1 upon N2 is equals to I2 upon N1, this is the correct option for this case. If you reverse both of these two quantities, आपको ये relation मिलेगा. That means कि A part is the correct answer. Next is which of the following is the wrong expression? Wrong expression की बात हो रही है. इसमें आप देखते हैं कि जो आपका N1 upon N2 है, वो आपका I2 upon I1 के बराबर होना चाहिए. यानी कि N1 I1 और N2 I2 both should be equal. तो ये आपका सही है. साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का प्राइमरी इनपुट प्राइमरी आउटपुट के बराबर होना चाहिए, ये भी आपका ठीक है. दूसरा N2 upon N1 is equals to I1 upon I2 is equals to V2 upon V1. From here you get N2 V1 is equals to N1 V2. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है. तो थर्ड वन जो ऑप्शन है वहां पर दिया है I1 N2 is equals to I2 N1, जबकि आपको होता है N1 I1 is equals to N2 I2. तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट, मींस दिस इज द राइट आंसर. फॉर ए ट्रांसफॉर्मर गिवेन टर्न्स रेशियो इज ए, आपको टर्न्स रेशियो दिया हुआ है. टर्न्स रेशियो रिमेंबर, टर्न्स रेशियो इज N1 upon N2, दैट इज ए दिया है. यानी कि K का वैल्यू यहाँ पर 1 upon A के बराबर है, ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं. What will be the impedance of primary with respect to secondary? आपको बताना है कि प्राइमरी का जो इम्पिडेंस है वो सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, राइट? तो एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसफरिंग का केस है कि आप प्राइमरी को सेकेंडरी के टर्म्स में देखना चाहते हैं, और अगर आपको याद हो कि जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करते हैं तो आप के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हो. जैसे अगर R1 को आपको ट्रांसफर करना है
it will be converted from primary to secondary, will become equals to R1 dash. इसका जो formula बनेगा वो बनेगा K square into R1. और K का value यहाँ पर 1 upon A दिया हुआ है, तो this will become equals to R1 upon A square. Similarly, it will be for the impedance also. तो आपका यहाँ पर जो suitable answer दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर दिख रहा है. A square times the secondary impedance. Okay, so this is answering in case of secondary quantities here. So यहाँ पर आपको देखना होगा कि impedance of primary with respect to secondary. So I guess ये secondary का primary के respect में बात कर रहे हैं. तो secondary का primary के respect में जब हम primary पे secondary को लाते हैं, तो that becomes R2 dash, and R2 dash का जो value होता है वो होता है K R2 upon K square. K का value यहाँ पर 1 upon A है, तो this will become A square into R2. तो यहाँ पर A square से आपको multiply करना पड़ेगा. That means A square times of the secondary impedance. A will be the correct answer for this question, right? You may get confusion in this question because in some books it is written ki jo transformation ratio hai uska value n2 upon n1 hai, aur kuch kitabon mein jo k hai transformation ratio wo n1 upon n2 ke terms mein likhte hain. To in dono ke accordingly aapka jo yahan par answer hai wo change ho jayega. Agar aap properly jo majority of books mein diya hua hai transformation ratio, that is n2 upon n1, to uske hisab se aapka answer a hoga. Aur agar aap is second wale term ke hisab se chalte hain, to us condition mein aapko डी आंसर पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर फिर आपका डायरेक्टली के और ए एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. ठीक है, तो आपको यहां से प्रॉपरली एक बेटर मेथड के साथ चलना है और ये देखना है कि यहां पे आपको कौन सा ऑप्शन सही आपके लिए बन रहा है. और दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ पर किस चीज का वैल्यू पूछा जा रहा है. जैसे इस क्वेश्चन में आपको कहा है प्राइमरी विद रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी, तो यहाँ आपको सेकेंडरी को प्राइमरी में ट्रांसफर करके दिखाना है. Right, you need to find out the primary resistance, which is with respect to the secondary one. Next question: when does transformer breathe in? Breathe in. Transformer breathe in का मतलब है कि transformer के अंदर हवा जानी चाहिए. और transformer के अंदर हवा कब जाएगी? जब transformer का oil ठंडा होगा. ठंडा होने के बाद उसका compression होगा, क्योंकि जब transformer oil गर्म होता है, heat होता है, उसमें expansion होता है. जबकि जब ठंडा होगा तो वो अंदर अपने लिए हवा खींचेगा, जगह को ऑक्यूपाई करेगा, उसके अंदर हवा जाएगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथ इन. तो ये कब होगा? जब ट्रांसफार्मर ठंडा होगा. और ठंडा कब होगा? जब उसका लोड कम होगा या खत्म होगा. दैट मींस कि लोड ऑन इट डिक्रीजेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ आयरन कोर इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? नॉट द पर्पज, नेगेटिव आंसर आपसे पूछा गया है यहाँ पे. इनमें से आपको कोई तीन ऑप्शन ठीक हैं, एक ऑप्शन गलत है. तो ये आपको यहाँ देखना है. टू प्रोवाइड कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ट्रांसफार्मर कोर प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में कपलिंग प्रोवाइड करती है, तो यस दिस इज ट्रू. टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स, यस दिस ऑल्सो डज विद द हेल्प ऑफ आयरन कोर. म्यूचुअल फ्लक्स का वैल्यू जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है ट्रांसफॉर्मर के लिए. टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करेंट, आई एम. मैग्नेटाइजिंग करेंट इज दैट करेंट विच रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज द कोर, एंड इट शुड बी गुड और वैल्यू शुड बी कॉन्स्टेंट. या फिर किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए जो मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग करेंट की वैल्यू है वो एक अच्छी वैल्यू होनी चाहिए, ना कि मिनिमम होनी चाहिए. क्योंकि अगर मैग्नेटाइजिंग करेंट कम होगा तो आपका म्यूचुअल फ्लक्स या ट्रांसफॉर्मर का जो फ्लक्स है, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपका इफेक्ट होगा. तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन, जो ट्रांसफॉर्मर कोर नहीं करती है. ट्रांसफॉर्मर कोर मैग्नेटाइजिंग करेंट को कॉन्स्टेंट रखती है या फिर आपका उसको बढ़ाती है, जिससे ट्रांसफॉर्मर कोर मैग्नेटाइज हो सके. तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज इनकरेक्ट, और वी कैन से कि इस क्वेश्चन के लिए ये ही हमारा वही ऑप्शन है जो यहाँ से पूछा गया था कि करेक्ट नहीं है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए रियल ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग हैज. रियल ट्रांसफॉर्मर मतलब एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, सम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. तो it is not infinite, it is not zero, but it has some finite resistance, that is C. Both resistance and leakage reactance of the transformer windings are. किसी भी एक actual transformer में resistance और leakage reactance किस तरह से effect डालते हैं? Do you remember the equivalent circuit of transformer where you see primary and secondary primary reactance and primary resistance, as well as secondary reactance and secondary resistance?
ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद देयर रेस्पेक्टिव वाइंडिंग्स. प्राइमरी में देखते हैं तो प्राइमरी आर वन और एक्स वन यहाँ पर आपका सीरीज में कनेक्ट होता है. इसी तरह से सेकेंडरी में भी आप देखते हैं तो आर टू और एक्स टू आपका सीरीज में कनेक्ट होता है. दैट मीन्स कि दीज प्रोड्यूसेस द सीरीज इफेक्ट इन द ट्रांसफार्मर. टू कन्वर्ट एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इन टू ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर वी एड. एक आइडियल से प्रैक्टिकल में कन्वर्जन के लिए हम क्या एड करते हैं, हम उसमें उनके प्राइमरी के रेजिस्टेंसेज और सेकेंडरी के रेजिस्टेंसेज, साथ ही साथ प्राइमरी के रिएक्टेंसेज एंड सेकेंडरी के रिएक्टेंसेज, इन सबको हम एड करते हैं. जो हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में डायग्राम देखा उसमें भी आपने देखा R1 X1 प्राइमरी साइड पर और R2 X2 सेकेंडरी साइड पर, ये चीजें आपके पास आएंगी. दैट मींस दी सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर. प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस लीकेज एंड सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए एड करनी होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज स्पेसिफिकेशंस एज 250 किलो वोल्ट एम्पियर, 11,000 वोल्ट बाय 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट. प्राइमरी करंट निकालने के लिए यू विल यूज प्राइमरी इनपुट पावर अपॉन वोल्टेज ऑफ इनपुट, और सेकेंडरी करंट के लिए यू कैन यूज सेकेंडरी आउटपुट पावर अपॉन द सेकेंडरी वोल्टेज. आपके पास जो पावर आउटपुट और पावर इनपुट है दैट इज सेम फॉर द केसेस 250 केवीए, दैट इज 215 टू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय V1 है आपके पास 11,000 वोल्ट्स. सिमिलरली 215 टू 10 टू पावर 3 अपॉन 415 वोल्ट्स. तो इसको आपको सॉल्व करना है. I1 के लिए ये हो जाएगा 250 30 डिवाइडेड बाय 11,000. 11 से 250 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 2. 11 to 2 is 22302, 22 point something आ रहा है. तो प्राइमरी का करंट इनमें से कौन से ऑप्शन में 22 point something है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, yes here we have and ये वाला भी नहीं है. तो naturally सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो we can go blindly with the option C. we do not require to find out I2 here. ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर किसी दो ऑप्शन में सेम ऑप्शन होता तो देन हम सेकेंडरी के लिए भी जाते, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है. टू सेव अवर टाइम वी कैन गो फॉर ऑप्शन सी. Next question, a 25 kVA transformer is constructed to a turns ratio of N1 upon N2. N1 upon N2 दिया है 10, यानी के K का value 1 upon 10 है. The impedance of primary winding is Z1 दिया है 3 plus J5 ohm and secondary winding is Z2 is 0.5 plus J0.8. What will be the impedance of transformer when referred to primary? आपको दोनों को transfer करना है primary side पर. प्राइमरी पर अगर Z2 जाएगा तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू Z2 डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू Z2 अपॉन K स्क्वायर. K का वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन 10 दैट इज 0.1, तो दिस विल बी कम इक्वल्स टू 0.5 प्लस J0.8 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर. तो हाउ मच दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 50 प्लस J80. अब आपसे पूछ रहा है टोटल कितना होगा, तो टोटल के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए. Z1 plus Z2 dash, that will be equals to 50 plus 3 is 53 plus 80 plus 5 is 85J. So 53 plus 85J will be the answer. So here it is, B option. 75, if R is the resistance of secondary winding, यानी के R2 का value R दिया है, of an electrical transformer and K is the transformation ratio, then the equivalent secondary resistance referred to primary will be equals to R2 by K square, or R2 ki value R hai, toh R upon K square will be the correct one, because when we transfer secondary to primary, it will become R2 dash is equals to R2 by K square. The use of higher flux density in the transformer design is to reduce weight per kVA, reduce iron loss, reduce copper loss, increases part load efficiency. आपका EMF equation होता है 4.44 F phi m into n. phi m का जो formula है, phi m is equals to होता है Bm into A. अगर आप यहाँ से देखेंगे, put करेंगे E is equals to 4.44 F Bm into A into n. तो B और A दोनों के दोनों एक दूसरे के inversely proportional है. That means कि if you increase the flux density, that will ultimately reduce the area. तो यहाँ से हमारा जो option है, वो weight कम करने के लिए एरिया रिड्यूस हो रहा है. अगर एरिया रिड्यूस होगा तो नेचुरली वेट कम होगा फॉर पर किलो वोल्ट एम्पियर. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्वड इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ईएमएफ इक्वेशन 4.44 F phi m into n. इसमें पूछ रहा है कि ये जो फ्लक्स है ये किस टाइप की वैल्यू है, एवरेज है, आरएमएस है, मैक्सिमम है, इंस्टेंटेनियस है. तो फाइव एम है, नेचुरली दिस इज ए मैक्सिमम वैल्यू.
Final approximate equivalent circuit contains only equivalent X, only equivalent Z, only equivalent R, and any of the above. तो ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात हो रही है और उसके लिए भी अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट की बात हो रही है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इक्विवेलेंट सर्किट के स्टेप्स को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में एक एक स्टेप्स आपको दिखाई देंगे। वीडियो भी है हमारा ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर। और फाइनली जो आपका एक इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट सर्किट बनता है वो लास्ट में रेफर्ड टू वन साइड, प्राइमरी या सेकेंडरी पर जब आप रेफर करते हो तो वो फाइनली आपका कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होता है, ठीक है। उसमें से भी अगर आप इस रेजिस्टेंस को, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की वजह से कंट्रीब्यूट हुआ है, सो कंसीडरिंग दैट दिस रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड नेग्लेक्टिंग दिस क्वांटिटी, यू विल हैव ओनली द रिएक्टेंस वैल्यू इन द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। दैट मींस की एक इक्विवेलेंट एक्स सीरीज ब्रांच आपको सर्किट में दिखाई देगी, मींस ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is not considered in the standard voltage scale for power supply in India? India में जो power supply होती है, आपने कहीं भी देखा हो, किसी भी substations के लिए देखा हो, तो you will always find that कि जो power है, वो usually 11 के multiples में होती है, like 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV and so on. तो जो 122 kV है, that is not a standard जो आपको कहीं भी मिलेगा. So this will be the correct option. Hysteresis loss and eddy current loss is directly proportional to. Hysteresis loss और eddy current loss दोनों का एक एक फॉर्मूला होता है। उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग hysteresis loss का फॉर्मूला होता है Siemens constant, B max की पावर x, F V, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है hysteresis loss का। एंड eddy current loss का फॉर्मूला होता है KE B m square F square T square V, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलेस को अगर आप देखोगे तो इसमें हिस्टेरेसिस लॉस में दिस इज सीमेंस कांस्टेंट, दिस इज बी मैक्स की पावर एक्स, वेयर एक्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू टाइप ऑफ द मटेरियल, जिसमें जो टिपिकल वैल्यू होती है एक्स की वो 1.6 के बराबर होती है यहाँ पे, और एफ इज द फ्रीक्वेंसी रिवर्सल, फ्रीक्वेंसी रिवर्सल की किस फ्रीक्वेंसी से आपकी जो सप्लाई है वो रिवर्स हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो हिस्टेरेसिस लॉस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एफ हियर। Secondly, आप एडी करंट लॉस को देखेंगे, that is, it is a constant, this is maximum flux density, this is the frequency square, this is the thickness of the material and this is the volume. So, यहाँ पर आप देखेंगे एडी करंट is proportional to F square. So, with these formulas, you can see कि जो hysteresis loss है वो F के proportional है और एडी करंट लॉस है वो F square के proportional है। Next question, in a given transformer for given applied voltage, which of the following losses remains constant irrespective of the load changes? तो इनमें से अगर आप formulas को ये सारी values को देखोगे तो कह रहा है कि कौन सा constant रहेगा अगर load की value change होगी। तो transformer में दो type के losses होते हैं and दोनों losses में एक eddy current एक iron loss है और एक copper loss है। iron losses में hysteresis and eddy current losses होते हैं। जो कॉपर लॉसेज है दैट इज स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनल ऑफ द लोड करंट, यानी कि लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि आयरन लॉसेज लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज मशीन में होते ही नहीं है ट्रांसफॉर्मर में, तो ये तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। कॉपर लॉसेज वेरीज विद द लोड, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। आयरन लॉसेज हैं जो कॉन्स्टेंट लॉसेज होते हैं, जो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस दोनों होते हैं। दैट मीन्स की यही दोनों वो लॉसेज हैं जो लोड के चेंज होने से चेंज नहीं होंगे। Next question is, variation in hysteresis loss in a transformer is, जो hysteresis loss का formula है वो है Siemens constant, B max की power X, F, V, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो B max की power X है उसमें X का value होता है 1.6 के बराबर, तो this will be the correct option, B max की power 1.6. The full load copper loss of a transformer is given as 1600 watt. जो फुल लोड कॉपर लॉस है वो 1600 वॉट है, हाफ लोड पर कितने कॉपर लॉस होंगे? तो पीसी जो होता है वो एक्स स्क्वायर ऑफ पीसी के बराबर है, वेयर एक्स इज द लोड फैक्टर। कितने फैक्टर से आपका लोड चेंज होगा उसके ऊपर एक्स का वैल्यू डिपेंड करता है। यहाँ पर लोड हाफ हो रहा है, इसका मतलब है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू द फुल लोड लॉसेज पीसी, यानी कि 1600। तो 1600 अपॉन 4 विल गिव यू 400 वॉट। तो हाफ लोड पे आपके कॉपर लॉस हो जाएंगे 400 वॉट। If the supply frequency to the transformer is increased, the iron loss will. Supply frequency increase करने से transformer का जो EMF equation है, वो directly proportional होता है आपके frequency के ऊपर। तो
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से ईएमएफ विल इंक्रीज, और ईएमएफ के इंक्रीज होने से वी कैन से कि ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो लॉसेज हैं ट्रांसफार्मर के कॉन्स्टेंट लॉसेज जिनको आयरन लॉसेज कहते हैं, दीज लॉसेज आर प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। तो अल्टीमेटली सप्लाई वोल्टेज बढ़ रही है और आपके लॉसेज भी वहां पर बढ़ने चाहिए, तो आयरन लॉसेज विल बी इंक्रीजिंग। हाउ रिडक्शन इन कोर लॉसेज एंड इंक्रीज इन परमिएबिलिटी कैन बी ऑब्टेन साइमल्टेनियसली इन ए ट्रांसफार्मर, क्या करें कि कोर के लॉसेज भी रिड्यूस हो जाए और परमिएबिलिटी भी बढ़ जाए। कोर बिल्डअप ऑफ लेमिनेशंस एंड ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड स्टील, कोल्ड बिल्डअप ऑफ लेमिनेशंस ऑफ हॉट रोल्ड स्टील कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी मीटर। तो बेसिकली कोर लॉसेज रिड्यूस करने हैं, कोर लॉसेज मींस हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेशंस का यूज होता है और हिस्टेरेसिस को यूज करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज होता है, लेकिन जो एक्चुअल में रियल मटेरियल है वो होता है CRGO, इट इज कॉल्ड कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। तो पूरा जो नाम है इसका वो यही है, दैट मींस की कोर को CRGO स्टील से हम बनाएं लेमिनेशंस के फॉर्म में ताकि कोर लॉसेस रिड्यूस हो जाए। लॉसेस व्हिच अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड डू नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर्स, ऐसे कौन से लॉस हैं जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में होते हैं बट ट्रांसफार्मर में नहीं। दीज आर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, यही वो लॉसेज हैं जो सिर्फ मशीन्स में होते हैं, उन मशीन्स में जो रोटेटिंग मशीन्स हैं। बाकी के जो तीनों लॉसेज हैं वो हर उस मशीन में होंगे जो मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो चाहे वो मोटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज नियर टू, पावर ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड टू ऑपरेट ऑन हाईएस्ट एफिशिएंसी, लगभग लगभग 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम करने के लिए उनको बनाया जाता है। बट चूंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेज भी हैं, आपको पता है कि देर आर सम लॉसेज ऑल्सो इन एनी ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो कंसिडरिंग दोज लॉसेज अगर हम देखें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कभी 100% तो नहीं हो सकती है, अगर हम लॉसेज को हटाएं तो ही 100% होती है। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ट्रांसफार्मर, दिस इज एक्चुअल ट्रांसफार्मर, सो वी हैव टू कंसिडर द लॉसेज, एंड कंसिडरिंग दीज लॉसेज योर एफिशिएंसी विल बी नियरली 100% बट नॉट 100%, दैट मीन्स 98% विल बी द एफिशिएंसी। Which factor transformer routine efficiency depends on? किस factor पे transformer की efficiency depend करती है? Efficiency का formula आपको पता है, x into V2 I2 cos phi upon x V2 I2 cos phi plus iron losses plus copper losses multiplied with 100% of efficiency. अगर इसमें देखेंगे तो what are the factors जिस जिसके ऊपर आपका efficiency depend कर रहा है? Voltage V2 एक constant term है, अगर secondary output voltage की बात करें इसमें जो करंट है वो वेरिएबल है और जो पावर फैक्टर है वो वेरिएबल है, क्योंकि ये दोनों चीजें लोड पे डिपेंड करती हैं। सो लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड आर द क्वांटिटीज ऑन विच द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन डिपेंड्स। व्हाई एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड्स इज कंपैरेटिवली लो, ऐसा क्यों होता है कि जब हैवी लोड हम कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर पे तो उसकी एफिशिएंसी कम रहती है। कॉपर लॉसेज बिकम्स हायर इन प्रोपोर्शनल टू आउटपुट, आयरन लॉसेज इंक्रीज्ड, voltage drop in primary secondary become large, secondary output is much less as compared to primary input. तो इनमें से अगर हम correct option को choose करें तो basically जब आप transformer पे load apply करेंगे तो उससे secondary का current increase होगा, primary का current increase होगा, दोनों के current के increase होने से दोनों windings में जो losses हैं वो increase होंगे, and which losses depends on the current, that are the copper losses. That means if you increase the load on a transformer, it increases the copper losses, and because of that, the efficiency comes down. So, copper losses ज़्यादा हो जाते हैं जब high load आप transformer पे connect करते हैं. इसी वजह से transformer की जो maximum efficiency है, वो usually less load पर आती है, not on the full load. We are talking about distribution transformers here. Next question is the efficiencies of the transformers compared to electric motors of the same power. अगर efficiency compare करें transformer और motor की same rating के लिए तो obviously efficiency of transformer will be higher than the motors. Transformer की efficiency always greater than 95-96% but motors की 70-80% में usually होती है because of the rotating or moving parts. So much higher will be the correct one. A transformer having maximum efficiency at 75% of full load, यानी कि आपको जो maximum efficiency आएगी उसमें आपको 75% load दिया है, इसका मतलब है अगर आपका जो load factor है वो है
0.75. आपको पता है ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती है PI इक्वल टू एक्स स्क्वायर PC. अगर यहाँ पर आप देखें PI अपॉन PC, इट विल बी इक्वल्स टू 0.75 का होल स्क्वायर. 0.75 मींस 3/4, दैट मींस 3/4 का होल स्क्वायर विल बिकम 9/16. तो आपका जो रेशियो है आयरन टू कॉपर लॉसेस का वो 9/16 यहाँ पर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइस. इनपुट अपॉन आउटपुट, नो, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल्स टू तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है. आउटपुट अपॉन लॉसेस, नो. 1 माइनस लॉसेस अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर. अगर आप इसको देखेंगे कि आपको क्या कह रहा है, 1 माइनस लॉसेस अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इसको कंप्लीटली इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलेगा 1 माइनस आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. एलसीएम ले लीजिए, आउटपुट प्लस लॉसेस माइनस आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. आउटपुट से आउटपुट कैंसिल हो गया, यहां पर बचा है ऊपर सिर्फ लॉस. ओके, तो दिस वाज नॉट आउटपुट, दिस वाज लॉस. इट्स रॉन्ग रिटन बी है. सो लॉसेस से लॉसेस कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बचेगा आउटपुट. तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस जो कि होता है आपका इनपुट. अल्टीमेटली एफिशिएंसी जो कि आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, तो वी आर गेटिंग द सेम थिंग. सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 500 केवीए ट्रांसफॉर्मर इज हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 95% एट फुल लोड. फुल लोड मतलब x इक्वल्स टू 1, एफिशिएंसी दिया है 95%. Also at 60% of full load. साथ ही साथ 60% of full load पर भी same efficiency है, 95%. X का value हो गया 0.6. दोनों के दोनों unity power factor पर है. Cos phi का value 1 है दोनों में. आपको बताना है PI का value और आपको transformer का output power दिया है 500 kVA. अब efficiency का जो formula है X V2 I2 cos phi upon X V2 I2 cos phi plus PI plus X square of PC. इस फॉर्मूले में आपको ये दोनों कंडीशंस को पुट करना होगा और एक दो इक्वेशंस बनानी होंगी. तो फॉर दोस टू इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू 1 के लिए 0.95 इज इक्वल्स टू, आपके पास 500 केवीए है तो 500 × 10³ cos phi का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू भी 1 है अपॉन 500 × 10³ × 1 प्लus PI plus x square PC, that is PC. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन बनेगा x 0.6 पे 0.95 is equals to 0.6 into 500 × 10³ × 1 upon 0.6 into 500 × 10³ × 1 plus PI plus X square of PC, यानी कि 0.6 square of PC. अब इन दोनों equations को हमें solve करना है for the values of PI and PC. Let's solve this. पहले equation बना लेते हैं. First equation हमारा बन रहा है PI plus PC is equals to 26315.78 and second equation होगा PI plus 0.6 का whole square into PC is equals to 15789.47. इन दोनों equation को solve करके PI का value निकाल लेते हैं. यहाँ से इन दोनों को solve करके हमें मिल रहा है PI is equals to 9868.42 watt and जो PC है वो हमें मिल रहा है 16447.35 watt. हमसे सिर्फ PI पूछा था, यानी कि 9868 वॉट, 9.86 और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 9.87 किलोवाट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 500 केवीए ट्रांसफार्मर इज हैविंग एफिशिएंसी ऑफ सेम क्वेश्चन है. इस बार आपको PC बताना है, तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड PC इन द प्रीवियस क्वेश्चन. आंसर वॉज 16447, दैट इज 16.45 is the approximate kilowatt answer, right? So this will be the answer. दोनों के दोनों similar statement based question है, पर actual में तो दोनों question एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, हमेशा एक ही question पूछा जाएगा, जिसको आप आसानी से solve कर सकते हैं. Next question: For a power transformer operating at full load, it draws voltage and current equal to 1200 volts and 100 एम्पियर रेस्पेक्टिवली, यानी कि V2 आपको दिया है 200, I2 आपको दिया है 100 एम्पियर. पावर फैक्टर है आपके पास 0.8. PI और PC दोनों दे रखे हैं. PI है आपके पास 120 × 10³,
वॉट, पीसी है 300 इंटू 10 पावर 3 वॉट, एफिशिएंसी पूछा है किस लोड पर, फुल लोड की बात हो रही है तो एक्स विल बी 1, तो लेट अस सी एक्स वी टू आई टू कॉस फाइव, एक्स का वैल्यू 1 है तो एक्स इज वी टू आई टू 0.8 अपॉन 200 इंटू 100 इंटू 0.8 प्लस पी आई प्लस पी सी, 300 प्लस 120 विल बिकम 420 इंटू 10 टू पावर 3. तो सॉल्विंग दिस फॉर द एफिशियंसी, so after calculating the efficiency from the given data we are getting efficiency somewhere around 36 point something, but options mein kahin bhi 36 point something nahi hai, but agar hum efficiency yahan par 420 ye jo 120 kilowatt aur 300 kilowatt hai, so kilowatt na lete hue simple kilowatt ki jagah watt lete hain, to hamara jo answer hai efficiency ka that is coming around 97.44, ye wala answer aa raha hai. इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है क्वेश्चन का उसमें किलोवाट की जगह पर यहाँ पर वाट होगा, तब हमारा आंसर यहाँ से मैच करेगा, क्योंकि आप इस फॉर्मूले से भी देख पा रहे हैं कि ऊपर आपके पास जो वैल्यू है आउटपुट की वो है 200 इंटू 100 दैट इज 20,000 इंटू 0.8 विल बिकम 16,000. ठीक है, आपका आउटपुट 16,000 है और आपके पास लॉसेज जो हो रहे हैं वो 420,000 हो रहे हैं, तो लॉसेज आर वेरी वेरी हाई, जिसकी वजह से जो एफिशियंसी है वो 36 पॉइंट समथिंग आ रही थी. तो ये जो किलोवाट वाला टर्म है दिस इज नॉट करेक्ट, इसके हिसाब से हमारे ऑप्शंस मैच नहीं होंगे, सो वी हैव टू रिमूव दिस किलोवाट, रिप्लेस दिस विद वाट, सो दैट वी कैन गेट आंसर 97.44. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. हमने इस वीडियो के साथ टोटल 3 वीडियोस में 95 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, एक वीडियो और अभी आना बाकी है ट्रांसफॉर्मर का, जिसमें हम और फर्दर अराउंड 30 क्वेश्चन को डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे. आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम दीज वीडियोज एंड यू आर लाइकिंग द कंटेंट एंड एवरीथिंग इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड अगर आपको सब चीजें अच्छी लग रही हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, स्टे ऑन द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.